नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप उत्तराखंड राज्य में अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या रहता है पूरा प्रोसेस, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ब्राउजर में आना होगा और आपको सर्च करना होगा e-services.uk.gov.in। ऐसा करते ही आपके सामने ये ई सेवाएं की वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे अपनी सरकार पोर्टल के इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको ऊपर लैंग्वेज प्रेफरेंस दी गई है, जहाँ पे आप अपनी अंग्रेजी या हिंदी में से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप व्यक्तिगत लॉगिन के इस ऑप्शन में आ जाएंगे। ऐसा करते ही आपके सामने लॉगिन का ये पेज खुल चुका है, जहाँ पे आपको उपयोगकर्ता की आईडी तथा पासवर्ड को अप्लाई करके कैप्चा फिल करके साइन इन कर लेना है। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट के न्यू यूजर हैं, तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ साइन अप करे के ऑप्शन को क्लिक कर लेना होगा, जिसके बाद आपके सामने उपयोगकर्ता पंजीकरण का पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी, लिंग, पहला नाम, अंतिम नाम, मोबाइल नंबर, जन्म दिनांक, जिला, तहसील, आवेदक का पता तथा भाषा को सिलेक्ट करके सबमिट के बटन को क्लिक कर लेना होगा। यहाँ मैं अपनी आईडी और पासवर्ड को अप्लाई कर देती हूँ और साथ ही कैप्चा को भी फिल कर देती हूँ, जिसके बाद मैं साइन इन करे के ऑप्शन को क्लिक कर दूंगी। ऐसा करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको नए आवेदन के लिए अनुरोध करे के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपने विभाग का चयन करना होगा। यहाँ पे आप पंचायती राज विभाग को सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही सेवा का प्रकार चुनने के ऑप्शन में आपको जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र पे क्लिक कर लेना है। साथ ही तीसरे चरण में आपको सेवा का नाम चुनना है। पहले आपको बोला गया है जन्म पंजीकरण 1 माह के भीतर, यानी कि अगर आप बच्चे के जन्म के 1 माह के भीतर उसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा है जन्म पंजीकरण 1 माह के बाद व 1 वर्ष के भीतर, यानी कि अगर बच्चे के जन्म के 1 माह के बाद तथा 1 वर्ष के भीतर आप उसका जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही तीसरा ऑप्शन है जन्म पंजीकरण 1 वर्ष के बाद, यानी बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के बाद अगर आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप तीसरे ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। यहाँ मैं पहले ऑप्शन यानी कि 1 माह के भीतर को क्लिक कर देती हूँ, जिसके बाद आपके सामने फोटो अपलोड करने का कॉलम आ जाता है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि अपलोड की जाने वाली फोटो का आकार 200 KB से कम होना चाहिए। चलिए अब आप यहाँ पे फोटो को चुन लेंगे। फोटो के लिए आप गैलरी पे जाएंगे और यहाँ से आप फोटो को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। आप फोटो को एडजस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही रोटेट भी कर सकते हैं। आप इसे ओके कर देंगे, जिसके बाद आपके सामने अनिवार्य दस्तावेज का एक कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे सबसे पहले आपसे मांगा गया है अस्पताल द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज कार्ड, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद जब उसका डिस्चार्ज हो गया होगा, तो अस्पताल द्वारा एक स्लिप दी जाती है, जो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। चलिए हम अपलोड कर देते हैं। देन पूछा गया है अगर घर में जन्म हुआ है तो टीकाकरण कार्ड, बच्चे के जन्म के बाद उसका टीकाकरण कार्ड भी दिया जाता है, जो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। जिसके बाद तीसरे चरण में पूछा गया है माता पिता का आधार कार्ड, तो यहाँ पे आप बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। इसके बाद ही आप सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आपके सामने डिटेल्स का पेज खुल के आ जाता है। सबसे पहले आपसे आपकी सामान्य जानकारी ली जा रही है, जैसे कि आप ग्रामीण हैं या शहरी, साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, आपका जेंडर, बालक एवं बालिका अन्य का नाम, जन्म के समय बच्चे का वजन, प्रसव की सुविधा, प्रसव का प्रकार चयन करें, बच्चे का धर्म, बच्चे की राष्ट्रीयता और बच्चे का अगर आधार नंबर है तो आप वो भी यहाँ डाल सकते हैं। इसी के साथ आ जाते हैं दूसरे कॉलम में, जो कि है पैतृक जानकारी, जिसमें बच्चे के पिता का नाम, पिता का शैक्षिक स्तर, पिता का व्यवसाय, माता का नाम, विवाह के समय माता की आयु, जन्म के समय माता की आयु, माता के जीवित बच्चों की कुल संख्या, माता का शैक्षिक स्तर और माता का व्यवसाय। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है अन्य जानकारी का, जिसमें आपको अपना पूरा पता फिल कर लेना है, साथ ही अपना जिला, अपना तहसील, अपना ब्लॉक, पटवारी चौकी और ग्राम पंचायत को आप फिल कर लेंगे। जिसके बाद लास्ट स्टेप में आवेदक की जानकारी फिल करनी होती है, यानी कि जो भी आवेदन कर रहा है उस आवेदक की जानकारी यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि आवेदक का नाम,
आवेदक का मोबाइल नंबर और आवेदक का पता। ये कंप्लीट करने के बाद आप सेव के ऑप्शन में जाके इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेंगे और साथ ही आप प्रीव्यू के ऑप्शन में क्लिक करके अपने द्वारा दी गई सभी जानकारी को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिसके बाद आपको पे एंड सबमिट के इस ऑप्शन में जाके क्लिक कर लेना है। ऐसा करते ही आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट का ये पेज खुल के आ जाता है, जहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या वॉलेट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 30 रुपए का पेमेंट करना होगा। यहाँ मैं क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर लेती हूँ। पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, जिसके बाद आपको होम पेज में आ जाना है। होम पेज में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तीसरा ऑप्शन है लंबित आवेदनों की संख्या, यानी कि आपने जितने आवेदन किए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। और साथ ही अगर आपके द्वारा किया गया आवेदन खारिज हो जाता है तो वो नीचे दिए गए ऑप्शन खारिज किए गए आवेदनों पे दिखाई देगा। और अगर आपका आवेदन क्लियर होके आपको प्राप्त हो जाता है तो वो प्राप्त प्रमाण पत्र की संख्या में दिखाई देगा। आवेदन करने के 14 दिनों के अंतर्गत आफ्टर वेरिफिकेशन आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है, जो आप इस सेम वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आपको आपका प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा तो वो आपको प्राप्त प्रमाण पत्र की संख्या के इस कॉलम में दिखाई देगा, जहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और साथ ही डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।